ये सील है, ऐसे ऐसे रहेगा कॉलर अंदर की तरफ, इसके छोटे कॉलर बाहर की तरफ, बड़ी कॉलर अंदर की तरफ, ये लगेगा ऐसे। ऐसे एक साइड स्प्रिंग को कवर करेगी, दूसरी साइड छोटी वाली साइड जो है वो सील को कवर करेगी। ये MT यूनिट की किट है, किट के अंदर ये सब चेंज होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये किट है, ये MT यूनिट। ये किट का ऑयल है, MT किट का ऑयल है, ये इसके अंदर जो डलता है, ये रही बोतल इसकी, और किट के अंदर ये सब आता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, सील विल सब दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो अब हम इसे रिपेयर कर रहे हैं MT यूनिट को। MT किट के अंदर आपको सर्किल मिलेगा, एक आपको ये वाली वार्सल मिलेगी, और ये मिलेगा आपको। अब ये वार्सल इस साइड से लगेगी सील, अब सबसे पहले सील घुसा देंगे अंदर उसके, सील लग गई है। अब इसके बाद वार्सल, ठीक है, वार्सल भी सही बैठ गई है। स्प्रिंग कौन वो वायर के साथ स्प्रिंग अंदर डलेगी इसके, चलो जाके उठा मत लियो। अरे बोलेगा नहीं उसको बुला के। अभी फाइनल कंप्लीट है, अब इसके अंदर सिर्फ बूट लगेगा। ये इसके चाइल्ड पार्ट है जो हमने चेंज करे है। बूट चढ़ने के बाद हम इसमें एक लॉक लगा देंगे ना गोल्डन केबल का। ये MT यूनिट का ऑयल है, 550 ml, 550 ml का ये डब्बा है। ये दो इसके स्पेशल टूल है किट चेंज करने के लिए। यह पूरी तरीके से किट रेडी हो चुकी है, इसकी किट चेंज हो गई है, MT यूनिट, और MT यूनिट रेडी है बिल्कुल गाड़ी में लगने के लिए। ये MT यूनिट रिपेयर करने के लिए स्पेशल स्टैंड आता है MT यूनिट रखने के लिए, तो ये जरूरी है। MT यूनिट के जो स्टैंड है ये हमारे पास होना जरूरी है, अगर आपके ये काम करते यूनिट रिपेयर करते हो तो स्टैंड होना जरूरी है।